नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं नवरात्र व्रत की एक हेल्दी सी रेसिपी आपके सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो सिर्फ 5 से 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो इसके लिए मैंने ये एक बाउल समा के चावल लिए हैं और कुछ ये पीनट्स लिए हैं और ये मैंने कुछ काजू लिए हैं। तो चलो आप इनको बनाते हैं। तो इधर मैंने ये कढ़ाई ले ली है और इसमें हम डालेंगे देसी घी, क्योंकि जो फास्ट का खाना होता है वो घी में ही बनता है और उसमें तेल वगैरह यूज नहीं करना है। तो इसमें हम देसी घी डाल लेते हैं। घी हमारा गर्म हो गया है तो इसमें हम पहले ही पीनट्स डाल देते हैं और हल्का से इनको रोस्ट कर लेते हैं और साथ में इसमें काजू भी डालेंगे, लेकिन दोनों को साथ नहीं डालना है क्योंकि जो मूंगफली होती है वो थोड़ा टाइम लेती है और काजू थोड़ा जल्दी भून जाते हैं, तो इनको साथ नहीं डालना है। थोड़ा सूख के अब इसमें काजू डाल देंगे। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इनको ज्यादा नहीं भूनना है, बिल्कुल हल्का सा भूनना है, थोड़ा सा कलर चेंज करना है बस इनका। तो चावल मैंने ये वाले लिए हैं जो व्रत में खाए जाते हैं ना, वो वाले समा के चावल लिए हैं मैंने। आप इसको व्रत में खा सकते हो। तो इसकी रेसिपी बना रहे हैं आपके साथ में आज। तो पहले मैं इनको धो लेती हूँ। तो इन चावल को मैंने दो से तीन बार धो लिया है, अभी बिल्कुल साफ हो गए हैं। तो चलो बनाते हैं अब इनको। इधर कढ़ाई में मैंने घी डाल लिया है और इसमें डाल देंगे सबसे पहले जीरा। जीरा भुन गया है हमारा, अब इसमें डालेंगे हम टमाटर। साथ में जाएगी हरी मिर्च, पूरी आलू, सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा भून लेंगे इनको, हल्का सा 10-20% यहाँ पर भून लेंगे। सब्जियों को हमने 20-30% तक भून लिया है। अब इसमें थोड़े मसाले डाल देते हैं। मसाले में जाएगा जो व्रत में खाए जाने वाला है सेंधा नमक, और ये मैंने डाला है काली मिर्च पाउडर। मिक्स कर देते हैं। अब इसमें डाल देते हैं समा के चावल। और अब इसमें पानी डाल देते हैं। अगर आप खिचड़ी बना रहे हो तो 4 गुना पानी डालिए, और अगर आप पुलाव बना रहे हो तो 2 गुना पानी डालिए। जैसे 1 कटोरी समा के चावल है तो पुलाव में 2 कटोरी पानी जाएगा और खिचड़ी में 4 कटोरी पानी जाएगा। तो मैं पुलाव बना रही हूँ इसलिए मैंने 2 कटोरी पानी डाल दिया इसमें, और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, उसको रख देंगे। और अब इसको ढक देते हैं और 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। 5 मिनट बाद इसको चेक करेंगे। पुलाव हमारे पककर तैयार हो चुके हैं। तो चलो अब इसको एक प्लेट में डाल लेते हैं। ये देखो कितने अच्छे पुलाव बने एकदम से। अब हम इसमें ये रोस्ट किए हुए पीनट्स और ये काजू ऐड कर देते हैं। ये पुलाव बनकर हमारे तैयार है और सिर्फ मैंने इनको 10 मिनट में बना लिया है। और मैंने इनमें टमाटर भी यूज किया है। अगर आप टमाटर नहीं खाते तो आप स्किप कर सकते हो टमाटर को। ऐसी और रेसिपी देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करना, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो ही करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।